पुरानी दिल्ली वालों के मिजाज के बारे में मुल्ला वाहिदी एक वाकया अपनी किताब मेरे जमाने की दिल्ली में लिखते हैं। वो कहते हैं, एक दिल्ली में साहब थे नवाब अब्दुलरहमान साहब, उनके मकान में सलार जंग फर्स्ट ठहरे थे और वो 1.5 महीने तक ठहरे थे। ये वो दौर था जब सलार जंग फर्स्ट हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि नवाब महबूब अली खान के रिजेंट भी थे, क्योंकि नवाब महबूब अली खान भी बच्चे थे और हैदराबाद स्टेट के कुल कर्ता धरता थे। लेकिन हमारे दिल्ली वाले अब्दुल रहमान साहब, जिनका मकान सलार जंग ने ले रखा था, एक बार भी उनको सलाम करने या फिर हाय हेलो करने नहीं गए, जबकि लोगों ने बहुत समझाया कि सलार जंग एक पारस है, जो उसको छुएगा वो सोने का हो जाएगा। लेकिन क्या मजाल जो नवाब साहब की अकड़ गई हो, जबकि वो गरीबी के दिन काट रहे थे, लेकिन उनका सिर्फ एक बड़ा मकान था जो सलार जंग के मेजबानों ने सलार जंग के लिए दिलवा दिया था।